हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। दोस्तों, वनडे इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो इस मामले में विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम है। उन्होंने अपने कैरियर में 398 मैचों में 351 छक्के लगाए। अफरीदी के अलावा वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 300 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। गेल के नाम 301 मैचों में 331 छक्के हैं। अगर वनडे कैरियर में 200 से ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो कुल मिलाकर 8 बल्लेबाजों ने अभी तक यह रिकॉर्ड बनाया है, जिनमें 2 भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। भारत की तरफ से अभी तक 8 बल्लेबाजों ने वनडे में 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं और सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में भारतीय रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। तो आइए नजर डालते हैं वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस सूची में 5वां नाम आता है युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने अपने वनडे कैरियर में 304 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 14 शतक और 52 अर्धशतकों की मदद से 8,701 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 155 छक्के लगाए और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वह 5वें स्थान पर हैं। युवराज सिंह ने 2 बार एक पारी में 7-7 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2007 में बरमूडा और 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। गौरतलब है कि युवराज सिंह ने अपने 304 में से 3 वनडे एशिया 11 की तरफ से भी खेले, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। इस सूची में 4वां नाम आता है सौरव गांगुली का। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपने वनडे कैरियर में 311 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 22 शतक और 72 अर्धशतक की मदद से 11,363 रन बनाए। इस दौरान गांगुली ने 190 छक्के भी लगाए और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वह 4थे स्थान पर हैं। सौरव गांगुली ने 2 बार एक पारी में 7-7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 1999 में श्रीलंका और 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। सौरव गांगुली ने अपने वनडे कैरियर में 3 मैच एशिया 11 की तरफ से भी खेला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 छक्का लगाया। इस सूची में 3रा नाम आता है सचिन तेंदुलकर का। भारतीय टीम के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे कैरियर में 463 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक की मदद से 18,426 रन बनाए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस दौरान सचिन ने 195 छक्के लगाए और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वह 3रे स्थान पर हैं। सचिन ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस सूची में 2रा नाम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आता है। भारतीय टीम के पूर्व विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कैरियर में 350 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 10 शतक और 73 अर्धशतकों की मदद से 10,773 रन बनाए हैं। इस दौरान धोनी ने 229 छक्के लगाए और उनके भारतीय रिकॉर्ड को कुछ समय पहले ही रोहित शर्मा ने तोड़ा है। धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। गौरतलब है कि धोनी ने अपने वनडे कैरियर के 350 मैचों में 3 मैच एशिया 11 के लिए खेला है, जिसमें उनके नाम 7 छक्के हैं। इस सूची में पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के नाम वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। रोहित ने भारत के लिए अभी तक 227 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 29 शतक और 43 अर्धशतक की मदद से 9,205 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 244 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने एक पारी में 7 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 5 बार बनाया है। रोहित शर्मा ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 छक्के, 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 12 छक्के, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 9 छक्के, 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 छक्के और 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगाए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।